तो अभी 11 बज गया है और चाचा और संगम शिवा को लेके गए हैं कहीं पे, मतलब आप सबके लिए एक सरप्राइज है और सागर के लिए भी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी बज रहे सुबह के 9:30 और अभी हम जा रहे हैं बड़े मम्मी के यहाँ पे। आज है दशहरा। दशहरे की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं, हैप्पी दशहरा। और मैं जाता हूँ अब, मैं भी गया, ये भी जा रहे हैं बड़ी मम्मी और यहाँ पे, तो चलते हैं। अब रोक लगाता हूँ यहाँ पे। रख दिया ये तैयार। गाइस अभी हम आ गए बड़ी मम्मी और के यहाँ पे, और अभी आज तो हमारे साथ रवि राज भी आ रखा है। तो यहाँ पता नहीं क्या गप्पे चल रही है पेड़ के साथ। पत्ते तोड़ के शिवा रविराज को दे रहा, हो जाए हाथ में पकड़ रखे पत्ते। तो जेब में रखा पत्ते? नहीं, वो तो पटाखे। अच्छा। तो हल्के बादल बादल से हो रहे हैं, धूप भी हो रखी। वो पत्ते तोड़ के उसको दे रहा। और बड़े मम्मी तो किचन में है, नाश्ता वगैरह बना रही हैं। 10:15 हो गया आज, और टीवी चल रहा है तो टीवी तो बंद कर देती हूँ मैं, कोई देख नहीं रहा टीवी। तो अभी 11 बज गया है और चाचा और संगम शिवा को लेके गए हैं कहीं पे, मतलब आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है और सागर के लिए भी, क्योंकि इनको भी नहीं पता है कि कहाँ लेके गए हैं शिवा को। तो देखते हैं, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, आधा एक घंटे बाद। और मैं कर रही हूँ अब चाचा के कपड़ों में प्रेस, क्योंकि चाचा को दुकान पर जाना है ना बाद में। तो देखते हैं कि आप सब भी देखना कि क्या करवा के आ रहे हैं शिवा का, व्लॉग में आगे आगे बने रहे। तो शिवा के आज वो करवा दिया बाल, खुश हो रखा था कि वहाँ पे क्या बोलता और करवा दो। हमको डर लग रहा था, हमने कहा कहीं रोए ना शिव। चुप बैठा था। अच्छा, डर लग रहा था हमको, हमने कहा कहीं कुछ ना करे। ये बोल रही इसमें ना इसके बाल। क्यों इसमें आगे कैसे लग रहा सीधा। गाइस अभी आया मैं घर, मतलब ऐसे ही आ रखा मैं, 12 बज रहे हैं अभी दिन के, और शिवा तो हो गया है गंजा करा दिया इसको ना आज। कैसा लग रहा? कैसा लग रहा? जैसे वो आंसू है। कौन आंसू? वो उधर ही रहता है हमारे घर के आगे जो घर है उसके बगल वाले घर में। देखो कैसा वो हो गया ऐसे अटकला। तो अब जाता हूँ मैं, ऐसे यार रखा था थोड़ी देर दुकान से, जाता हूँ अब शॉप पे। फिर का तो हो गया आज मुंडन आज। क्या हो गया? क्या रखा है रवि राज मेरे साथ दुकान पे, कैसा लग रहा? अच्छा। तो ये खा रहे हैं खाना, खाने में पनीर मटर पनीर, ये बात कर रहे हैं फोन पे, खीर वगैरह रायता वगैरह रविराज खा रहे हैं, और हमारे सुदामा जी खेल रहे हैं, मुंह में रोटी का टुकड़ा डाल के रोटी खाता रहता है बस ऐसे डाल के। आए सुदामा शिवा कहाँ गया? शिवा का ना अभी ये निकाला हाथ से कलावा, मतलब इसको ना अच्छा नहीं लगता ऐसे कोई, मतलब बांधे वगैरह रहे। बोल रहा अभी भी दिखा रहा अपना हाथ कि निकल गया। रवि राज तो यहाँ पर लेटा हुआ है। तो अभी मैं ना बर्तन धो के आई उधर से, और ये तीनों के तीन कैसे सो रखे हैं, और रविराज यहाँ आ करके मुझे लग रहा पहली बार दिन में सोया है यहाँ, तो पहली बार आया पहली बार यहाँ सो भी गया, अपने घर में नहीं सोता है दिन में। और शिवा कैसे लग रहा आज? तो शिवा इतना प्यारा प्यारा अच्छा लग रहा। ये भी सो गया, ये भी सो गया।
अभी हम शाम को जा रहे हैं दुकान पे, उधर अपनी दुकान पे रविराज भी चल रहा हमारे साथ। अच्छी बात तो आज अलग ही दिख रहा हमें, टकलू टकलू चा, इसको बार बार देख के ना ऐसे लग रहा। छह मैं हूँ दुकान पे और ये आ रखे हैं यहाँ पे, ये गंजू आ रखा है दुकान पे और ये आ रखा है और रवि आ रखा है। शिवो गंजा हो गया असरा नहीं तेरा पट। शिवा और रविराज तो शॉप पे ही हैं सागर की, तो मैं आई थी थ्रेडिंग बनाने, तो मैंने बना ली हैं, बहुत टाइम बाद बनाई आज, तो हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी आ रही हैं। क्या यहाँ पे कुर्सी पे गिरने वाला था और ये रवि यहाँ पे खेल रहा है, मजे ले रहा है, मजे आ रहे पक्का। दुकान पे आई ना थ्रेडिंग बना के आई, इन दोनों को पता किस बात पे डिस्कशन चल रहा कि रविराज को लड़की पसंद आ गई। रविराज को लड़की अच्छा एक बात बता, देख तो दिन में देख रही थी कि नहीं देख रही थी? हाँ या ना बोल। हाँ झूठ नहीं बता। अभी हम दोनों बैठे हुए हैं शॉप पे और ये सागर और रविराज गए हुए हैं बर्गर लेने। ये तो ना इतना अच्छा था ना, हत्ते नहीं आता है, हत्ते नहीं आता है, हत्ते गंदा हो गया है बच्चा ना। बाहर ना बारिश शुरू हो गई, देखो तेज सी बारिश हो गई और यहाँ पे बगल पे ही बीकानेर है तो अच्छी अच्छी खुशबू आती है यहाँ पे से, तो बारिश हो गई, कपड़े भीग गए इनको, इधर रख दो बर्गर, तुम्हें कपड़े भीग गए यार, आराम से आराम से आराम से कपड़े ना, आओ अंदर आओ, चप्पल क्यों खोले? रविराज को चप्पल खोलने की आदत है ना, आजा आराम से आजा, सूझ रविराज के गर्भ है। तो हम खाते हैं बर्गर और ये संभालेंगे शिवा को, क्योंकि दिन भर हमारी ड्यूटी रहती है शिवा को संभालने की, लेकिन एक बाइट मिल सकती है आपको। हमें नहीं खानी, नहीं खानी, नहीं खानी, अभी अभी पता चलेगा ना रविराज। हम तो जब मर्जी खा ले। हाँ हाँ ये तो जब मर्जी खा ले। तो रविराज खा रहा है, मैं भी खाती हूँ। ये दोनों ले रहे हैं बर्गर के मजे और शिवा यहाँ पे लगा हुआ इसमें ना पेटीएम मशीन के साथ। क्या दिखा रहा शिवू, इधर देख बेटे, इधर देख शिवू। 6:30 बज गया और हो रही है बाहर तेज सी बारिश। चाचा आ गए, चाचा भी आ गए, चाचा आ गए बाहर। अरे चाचा को देखिए, चाचा को देखिए, चाचा को देखिए कैसे कर रहा, ओए चाचा को देखिए कैसे कर रहा, ए दादू बोलो दादू करवा दो। तो चाचा पूरे भीग गए, बारिश हो गई, ये बाहर चिल्ला रहा, ये चिल्ला रहा, गोदी में क्या चलेंगे भाई, तो भीग गए चाचा, तो भीग गए चाचा, तो रंग से भीग गए, चिल्ला हो गया। बारिश हो रही बहुत तेज, हम भी फंस गए, गीले हो गए ना पूरे, तो चाचा को ना रुमाल दे रहा है, ये देखो ये रुमाल ले लो कि साफ कर लो। तो हेलो अभी ना शाम, मैं आपसे शाम को मिल रही हूँ सीधा अब रूम पे आ करके, क्योंकि क्या हुआ कि हम दुकान से आके थे तो बारिश बुरिश हो गई थी, तो हम बड़े मम्मी के वहाँ पे आ गए थे और फिर खाना पीना बनाया, और बड़े मम्मी लोग ना मतलब बड़े मम्मी चाचा सब रूम शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब घर है उनका अपना घर है वहाँ पे, लेकिन थोड़ा उनको सफाई वगैरह करवानी है, तो बड़े मम्मी को ना थोड़ा अकेला अकेला सो जाता, तो यहीं पास में आ रहे हैं, इधर ही कहीं ना मतलब ज़्यादा दूर नहीं है हमारे लिए मिलने के लिए, पास पास में आ रहे हैं, फिर तो बड़े मम्मी अकेले रहती हैं घर में, तो यही है बस थोड़ा सफाई वगैरह करवानी है घर की, तो इसलिए वो अब मतलब रूम अपना शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ना सागर अभी वहीं पे हैं, तो मैं और शिवा आ गए हैं, रविराज था हमारे साथ, तो दीदी और शादी में गए थे, तो वो दीदी भैया वो हमको ना लेते हुए इधर को आ गए घर को, तो इसलिए हम उन भैया उनके साथ आ गए, तो शिवा अब सो गया है और मैं दूध लेके आई थी उधर से, तो दूध वगैरह बॉईल करती हूँ पहले, और बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश,
खोलता ही नहीं है। दरवाजा खोलती हूँ, बग्घी अंदर निकालती हूँ। ये ना बग्घी में कपड़े थे तो ये निकाल दिए मैंने इधर, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। देखो यहाँ से पता चल ही रहा होगा, अभी रात का लगभग 10 बज गया और सागर नहीं है ना, तो बहुत मतलब अजीब अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये कभी रहे नहीं ना मतलब ऐसे अभी तक देर में इतनी देर तक। और ये कपड़े ना मैंने यहाँ इधर फैलाए हुए थे, यहाँ पीछे तार में सुबह के धुले हुए थे बेडशीट वगैरह, तो थोड़ा बहुत तो सूख गई हैं, तो इसको ना बग्घी में फैला दूँगी अच्छे से। तो अभी लेके आई मैं, क्योंकि बारिश हो रही तो भीगना जाएगा ही ना, तो इसको फैलाती हूँ। तो चादर वगैरह बेडशीट मतलब मैंने इसमें फैला दी बग्घी में, और ये धुलने वाले कपड़े हैं तो इनको बाथरूम में डालती हूँ। अभी लगभग रात का 12 बज गया है, 12 से ऊपर ही हो गया, तो सागर अभी तक आए नहीं है, आएंगे थोड़ी देर बाद, तो मतलब थोड़ी देर बाद आएंगे, क्योंकि ये वहाँ से तो निकल गए हैं, इतना टाइम लग गया था मतलब सामान वगैरह रखने में ना, तो अभी आए नहीं है। और लाइट यहाँ की गई हुई है, लेकिन सारे मतलब सब जगह लाइट है, पता नहीं यहीं की गई है कि अगल बगल अलग लाइन है, कुछ हमको पता नहीं है। और शिवा सो ही रहा है, तो हल्ला हल्ला बहुत हो रहा है, क्योंकि बगल का शादी हो रही है ना, तो हल्ला वगैरह हो रहा है, तो ये आएंगे तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो सागर आ गए हैं, गाड़ी मतलब लगा रहे हैं, पार्क कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ तो ना सारी जगह लाइट है, पता नहीं यहाँ हमारे यहाँ पता नहीं क्यों नहीं है, इधर भी है ही लाइट, तो गाड़ी लगा लेंगे। ताला तो नहीं लगाया होगा, क्योंकि इधर ना मेहमान रुके हुए हैं ना बगल वाले कमरे में, तो ताला तो नहीं लगाया होगा, लगाया होगा तो मैं चले जाऊंगी खोलने के लिए। ऊपर आ रहे हैं अब, अच्छा बड़े मम्मी ने दूध दिया होगा ना, तो दूध लेके आ रहे हैं।